हे गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला है नवरात्रों की शॉपिंग। कल से नवरात्रे चालू होने वाले हैं। आज मेरे हस्बैंड ने भी ऑफ कर लिया अपने ऑफिस का, क्योंकि हमारे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसको आज डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। और हमने कहा शॉपिंग भी कर लेते हैं इस बीच, माता रानी के सामान जो भी हम पूजा में लगते हैं सारा सामान आज हम लेकर आएंगे। तो अभी ये दोनों बाप बेटे खेल रहे हैं, ये इनको नेट बंद हो गया, हम दिखा रहे हैं, नेट नहीं चल रहा मेरा। ये देखो दोनों को ये लो चाय पियो, ये हटा दो ना। तो हम चाय पी लेते हैं पहले, हमारा बेटा तो बिजी है। क्या देख रहा है ये? क्या देख रहा है? इसने पूरी रात भर दिखाया हमें, ये पूरी रात। ये लड़का पूरी रात नहीं सोता, ये हमें नाच नचा देता है और रात को चिल्लाता है पूरे, और ऊपर वाले भी सोते हैं। अब कितने आराम से बैठ के देख रहा है, कितना तेज। तो हमने बनाए हैं राजमा चावल और ये नींबू। तो फटाफट से हम खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। और अभी बहुत ज्यादा धूप है, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बाहर हालत खराब हो रही है। अभी मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, क्या हुआ बाहर तुम्हारे साथ? कह रहे मैं बेहोश होने लगा, मैं गिरने लगा रोड पे, इतनी गर्मी हो रही है। चलो फटाफट से खाना खा लो। ओके गाइस, अभी हम खाना खा के मिलते हैं आपसे शॉपिंग के लिए, हम जाएंगे। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और अब हम निकल रहे हैं सामान लेने के लिए। ये क्या कर रहे हो? सामान रखता हूं। ऐसा सामान कौन रखता है? चलो फिर चलो जल्दी करो। तो हम जा रहे हैं आज नवरात्रि के लिए माता रानी के लिए सामान लेने, उनका श्रृंगार का सामान जो है वो आगे तो शॉप पर चलेगा। क्या क्या हमें थोड़ा अपने बच्चे के लिए कपड़े भी लेने, माता रानी की सेल के लिए, क्योंकि सर्दियों में पैदा हुआ था तो हमने उसके लिए गर्मी के तो कोई कपड़े लिए नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं पहले अपने बेटे के पास, क्योंकि वो भूखा है। बेटे के पास जा रहे हैं पहले। वो अपनी नानी के पास है, क्योंकि उसको छोड़ के तो हम नहीं जा सकते अकेले, ना उसको लेके जा सकते, धूप बहुत ज्यादा है बाहर। तो वो रहेगा अपनी नानी के पास। वो छोड़ने वाली चीज है ना, ले जाने वाली चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज है, बच्चे पालना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है भाई। वो भी कविता के बच्चे, कविता के बच्चे, एक ही बच्चा है मेरा। तो हम आ गए हैं, बम बम बोले। ओ पेट भी दिखाओ। धूप बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा धूप है। शाम के 5 बजने वाले हैं और इतना बुरा हाल हो रहा है बाहर। इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है कि मैं काला हो गया। बहुत तेज धूप है। पीछे वाली गली जा रहे हैं, क्योंकि ना आगे वाली गली में बहुत धूप होती है, धूप थोड़ी कम लगती है।
गाइस, शॉपिंग तो हमने अपनी पूरी कर ली है शॉपिंग, और अब थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि दिन भर से भाग रहे हैं, बहुत थक गए हैं। तो चाय वाय बनाएंगे, थोड़ी चाय वाय पियेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे हमने क्या शॉपिंग करी है। मंदिर मंदिर से जाएंगे क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस जाना है, फिर शाम को फिर आना है, मेरा फास्ट भी है क्योंकि कविता तो फास्ट रख नहीं पाएगी, तो इस वजह से फास्ट मैंने रखा हुआ है। तो सुबह जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा ऑफिस। मैंने आज की भी छुट्टी ले ली थी क्योंकि बच्चे को भी दिखाना था हॉस्पिटल में, और ये ब्लॉग भी शूट करना था, और शॉपिंग भी करनी थी। तो फिर मैं बस अभी जस्ट थोड़ा सा आराम करके 10-15 मिनट का, और फिर हम मंदिर मंदिर से जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या हम पिनुगले लाए। तो अभी हम थोड़ा आराम करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज नवरात्रे हैं, तो सबसे पहले आपको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल रात हम शूट नहीं कर पाए, हमें बाबू के कपड़े दिखाने थे, प्रथम के कपड़े जो हम लेके आए थे वो दिखाने थे, हम क्या लेके आए हैं, लेकिन हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी रात को, तो पूरी रात ये लड़का ऐसे ही परेशान रहा है, अब जाके सोया है थोड़ा। तो अब हम पूजा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम अपने बेबी के लिए क्या लेकर आए हैं। हस्बैंड तो नहा गए हैं। जय माता दी। जय माता दी। आज मेरा फास्ट है। ओ अभी हम पूजा करेंगे फिर आप तो ऐसी एनर्जी लो रखी अभी से एनर्जी लो भैया, 9 दिन के लिए इतना सोच के मैं इतना मेरे को भूख लग रही ना, बेबी की तबीयत खराब थी इसलिए कह रहे मैं 9 दिन का फास्ट रखूंगा, और मैं थोड़ा मेरा मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा खा रखा है ना, तो उसको भी एडजस्ट करना है पेट। चलिए पूजा कर लेते हैं। हैप्पी नवरात्रि गाइस, नवरात्रि आप सभी को। पूजा हमने कर ली है, पूजा कंप्लीट, और बेबी का हमने जो भी कल हमने बेबी के लिए खरीदा था वो हम इस ब्लॉग में नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे अपने बेटे के लिए क्या लेके आए थे। एक चीज तो उसने वेयर कर ली है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है उसने, कुर्ता पजामा। तो इस ब्लॉग में इतना ही, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय गाइज़।